माई चैनल ममता किचन रेसिपी। और आज मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, आज मैं अपना ब्यूटी सीक्रेट यानी कि जो भी मैं करती हूँ अपने स्किन को लेकर वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों के पहले किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो अपने फेस को क्लीन करने के लिए वो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज मैं भी बहुत लापरवाह हूँ अपनी स्किन को लेकर, मैं इतना ध्यान नहीं रखती हूँ, बट कभी कभी जब मुझे लगता है कर लेना चाहिए, ज़्यादा स्किन डल हो गई है तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन मैं कोई भी मार्केट से जैसे क्रीम वगैरह या कोई भी आप फाउंडेशन जो भी चीज़ यूज़ करते हो उस तरह की चीज़ें मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ओकेजनली करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती, क्योंकि वो चीज़ें मुझे सूट नहीं करती है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें सूट नहीं करती है, तो आप भी जो नेचुरल चीज़ें होती है उनसे अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हो। और डेड स्किन होती है जो उससे इजीली हट जाती है और आपकी जो स्किन है वो चमकदार बन जाती है एकदम से, तो आप भी जो चीज मैं यूज कर रही हूँ इस तरह कर सकते हो। और इस चीज के कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है, यदि आप इसको यूज करते हो आपको कोई बेनिफिट लगते हैं तो आप इनको करते रहिए। तो मैं यहाँ पे जो हमारा एलोवेरा होता है, ग्वार पाठा बोलते हैं इसको, तो ये हम घर में भी लगा देते हैं गमले वगैरह में, तो मेरे प्लॉट में बहुत सारे लगे हुए हैं। इसे आप जेल भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे नेचुरल चीज मेरे पास है होममेड, तो ये मैंने वो वाला ग्वार पाठा यानी कि एलोवेरा लिया है। और मैंने इसके दोनों साइड के जो कांटे होते हैं इसके साइड में उसको निकाल लिया है और साफ पानी से इसको धो लिया है। अब मैं इसको बीच में से कट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है। और जो ये जेल होता है इसको आप खा भी सकते हो, जेल को नहीं मतलब पूरे को खा सकते हो, ये भी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और वैसे भी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। अगर आप इसको खा सकते हो तो आप इसको खाइए सुबह सुबह और पानी पी लीजिए, तो ये भी हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। तो मैं कभी कभी खा लेती हूँ जब भी मुझे याद आता है, अदरवाइज नहीं आता मुझे याद ज्यादातर, तो कभी खा लेती हूँ। और तो मैं इसको यूज कर रही हूँ अपने स्किन पे। सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को बिल्कुल साफ पानी से धो लिया है और सबसे पहले मैं इसको चेहरे पे रब कर लूंगी। जो आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं और वैसे भी तुम्हारी स्किन है थोड़ी डल सी दिखने लगती है काफी दिनों तक जब हम कोई चीज यूज नहीं करते, तो फेशियल वगैरह नहीं कराती हूँ कभी भी, मैंने सिर्फ शादी में कराया था अपनी, तो मैं इस तरह की चीजें कभी कभी यूज कर लेती हूँ। आप इसको अपने हाथों पे पैरों पे जहां भी आपको लगता है कि आपकी स्किन थोड़ी डल हो गई है तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैंने 2 से 3 मिनट इसको रब कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने जो चावल का आटा लिया है इसको मैं पीस के रख लेती हूँ, मिक्सी में पीसा था खैर मैंने, तो आप राइस फ्लोर यानी कि वो है ये स्क्रब का भी काम करता है और वैसे भी हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, जो डेड स्किन होती है उनको बाहर निकाल देता है। और मैं इसी से यूज करती हूँ, इसको मैं थोड़ा हल्का सा इस पे डाल लूंगी और इसकी सहायता से इसको रब कर लूंगी। जेल होता है ये पूरी तरह से जैसे नहीं हो पाता, तो आप नेल से इसको या फिर किसी नुकीली चीज से इसको पुछते हुए यानी कि जेल को और राइस फ्लोर डालते रहिए थोड़ा थोड़ा और स्किन पे रब करते रहिए कंटिन्यू 5 से 10 मिनट करिए आप हल्के हाथों से। देखिए मैंने 5 मिनट इसको कंटिन्यू रब किया है और जब दूसरे साइड का जो बचा हुआ हिस्सा था उसको भी मैं लगा लेती हूँ 2 मिनट के लिए। इसको फिर से रब कर लिया है तो अब मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स मैं नहा के आ गई हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने अपने चेहरे को अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लिया है और मैंने आज साबुन का यूज नहीं किया है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ, तो मैं बिल्कुल सिंपल रहना ही पसंद करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इससे मुझे तो लगता है कि थोड़ा बहुत ग्लो तो आया है, और यदि आप इसको रूटीन से करते हो तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और गर्मियों में पानी पीजिए ज्यादा से ज्यादा, और लस्सी दही जो भी है, ग्रीन वेजिटेबल है जो भी, दूध दही मक्खन जो भी है आप खाइए, क्योंकि जो भी हम चीज स्किन पे अप्लाई करते हैं उनसे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते जितने अच्छे रिजल्ट हम जो चीज खाते हैं उससे मिलते हैं। तो आप अच्छी अच्छी चीजें खाइए, हरी सब्जियां, दही, सलाद जो भी है, पानी पीजिए, तो आपकी स्किन है वो ऑटोमेटिक ही ग्लो करेगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी।
पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको तुरंत पता चल जाए। और जरूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।